हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे बीच में सुशांत सर नहीं रहे हैं। उसका दुख हमको ही नहीं, पूरे भारत को है। कारण कई सारे हो सकते हैं उनके मौत के पीछे के, अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण जो जहाँ तक उनके इंटरव्यू, उनके ट्वीट और उनके कई सारे चीज़ों में सोशल हैंडल को देखा जाए तो उनके कई सारी चीज़ों में उनका मेन जो उनका सुसाइड का कारण दिख रहा है वो है नेपोटिज्म। एंड So I have three friends now, thankfully. But I just don't, I cannot make friends, not because I don't like people. I really like them, but they don't find my conversations very interesting. And so the first time they'll pretend to be liking me, but then they don't take my calls. So yeah. अगर आप लोग जानते हो नेपोटिज्म क्या होता है, अगर आप लोग ये बोलो, अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में हुआ है या पहली बार होने वाला है, अगर आप लोगों का आंसर इसमें हाँ है तो मेरा आंसर होगा ना। नेपोटिज्म बॉलीवुड में बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे कि वहाँ पर स्टार किड्स होते हैं जिसका ऑलरेडी गॉडफादर है, वो चाहे एक्टिंग जाने या ना जाने, उनको एक्टिंग का ए ना आए, लेकिन वो एक्टिंग करते ही हैं और उनको इतना एडवर्टाइज़ करके और इतना कुछ करके उनको इतना आगे कर दिया जाता है कि जो रियल में स्ट्रगल परेशान होते हैं वो रह जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो सुशांत सर थे, मैं उनकी कई सारी बातें कहूँ, वो एक ऐसे पर्सन थे, एकदम डाउन टू अर्थ थे। सबसे मेन इसका मैं कारण बताऊँगी, अगर आप लोग उनके इंस्टाग्राम आईडी पर जाएंगे, इंस्टाग्राम आईडी पर उन्होंने 6000 लोगों को फॉलो कर रखा है, यानी जो लोग उनके फ़ैन थे, जो लोग उनको फॉलो करते थे वो फॉलो बैक कर देते थे। आप ही लोग मुझे बताइएगा, कोई भी सुपरस्टार, कोई भी स्टार अगर कोई इतना सा भी आगे बढ़ जाता है तो वो पब्लिक को कुछ समझने का रखता ही नहीं है। और यहाँ पर जो सुशांत सर थे, वो हमारे जो हम लोगों को फॉलो करते थे या उनको फॉलो करते थे, वो उनको फॉलो बैक भी करते थे। मैंने खुद ही इंस्टाग्राम पर उनके देखा है, मैंने चेक करी कि ये लोग कौन हैं जिनको फॉलो किया हुआ है। तो वे एक मतलब कॉमन पर्सन, एक हम लोगों जैसे पर्सन होते थे, एकदम सिंपल, जो कि उनको फ़ैन होते थे और वो उनको फॉलो बैक कर लेते थे। सुशांत सर ने कई बार ट्वीट में और इंटरव्यू में बताया है कि अगर आप लोग मेरी फुल मूवी नहीं देखोगे तो मुझे बॉलीवुड से निकाल कर फेंक दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने कई सारी हिट मूवीज़ दी हैं, जैसे कि छिछोरे मूवी को यूथ जनरेशन है, उन्होंने उसको बहुत प्रमोट किया था, बहुत प्यार किया था, लेकिन फिर भी उसको इसका कारण भी उनका डिप्रेशन हो सकता है, जो डिप्रेशन में वो गए थे। कई लोग बोल देते हैं डिप्रेशन में जाने के बाद आप दूसरों को है बताइए अपनी क्या परेशानी है क्या नहीं है, ये सब बोलना आसान हो सकता है डियर, लेकिन जिस पर बीतती है, जब हमारे ऊपर डिप्रेशन हावी होने लगता है तो हमें ना तो खाना पीना अच्छा लगता है, ना हमें ज़्यादा सोना, ना ज़्यादा बातें करना। यदि हमें कोई अच्छी चीज़ बता भी रहा होता है, वो भी चीज़ हमें बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जो कंडीशन फेस थी वो सुशांत सर फेस कर रहे थे। नेपोटिज्म सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, सभी जगह है। जो लोग ऑलरेडी फेमस होते हैं, हम लोग उन्हीं को फेमस कराने में जुटे होते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छा घर है, या फिर उनके पास पैसा है, या फिर उनके पास बहुत कुछ है। सबसे मेन बात होती है कि मान लीजिए एक यूट्यूबर सक्सेस यूट्यूबर है तो उसके घर के भाभी है, वो भी अच्छी यूट्यूबर होंगी। अगर उनके घर में कोई पड़ोसी है वो भी अच्छा यूट्यूबर होगा, उनका कोई फैमिली मेम्बर है तो वो भी अच्छा यूट्यूबर होगा। मतलब अगर तुम सक्सेस हो तो तुम्हारा पूरा घर सक्सेस होगा ही। यहाँ पर मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रही, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में है, मान लीजिए मेरे पापा एक्टर हैं तो मेरी बेटी भी एक्टर होगी, वो भी अच्छी एक्टर होगी। आपने कई सारे स्टार किड्स को देखा होगा जिनको एक्टिंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनको फिल्म में काफ़ी अच्छे अच्छे अवार्ड दिए जाते हैं, और जो रियल में एक्चुअल में अवार्ड के काबिल होती है वो उनको अवार्ड नहीं दिए जाते हैं। तो कई सारे ऐसे देखे गए डिप्रेशन बहुत दिनों से मैंने जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा बर्थडे था, लेकिन मैंने बर्थडे की अभी तक वीडियोस नहीं डाली है, बिकॉज मेरा मन नहीं है तो मैंने एडिट नहीं करी है अपनी बर्थडे। तो मैं फिर भी यही बोलूँगी, विवेक ओवरऑय सर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा क्या हुआ था।
लेकिन उनके बारे में भी सब लोग हंसे थे उस टाइम। और रियल में बताऊं, हम लोगों को इतना पता भी नहीं था कि नेपोटिज्म इस तरह से भी अंदर खोखला कर देता है कि इंसान सुसाइड पर मजबूर हो जाए। सुशांत सर के पास 7 मूवीज थी, 7 मूवीज उनसे, 6 मूवीज शायद उनसे ले ली गई थी, 6 उनसे ले ली गई थी, उनको बैन कर दिया था, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। साथ ही साथ उनने जो मूवी रिलीज होगा उनको छोटे पर्दे पर दिखा रिलीज किया जा रहा था, जैसे नेटफ्लिक्स पर, OTT प्लेटफॉर्म पर उनको रिलीज किया जा रहा था, जिसके कारण से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्योंकि जब इंसान इतनी अच्छी मेहनत कर रहा है, जैसे कि आप लोग बताए छिचोरी मूवी में उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी जो खुद सुसाइड से दूर भागते थे, आज उनके माइंड पर सुसाइड भारी हो चुका था और उन्होंने सुसाइड कर, उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया भी था कि उनको किसी भी बड़े बड़े पार्टीज़ वगैरह में नहीं बुलाया जाता था, सेलिब्रिटीज़ उनको पार्टीज़ वगैरह में नहीं बुलाते थे। साथ ही साथ उनको इतना आउट फील कराया जाता था कि उनको ऐसा लगता था कि मैं इस इंडस्ट्री का हूँ ही नहीं। क्योंकि सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत एक सेम पार्टी में मौजूद थे, पार्टी चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत ने सूरज पंचोली के साथ मिसबिहेव किया, बुरा बर्ताव किया और शायद उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया और इस मिसबिहेव की वजह से सूरज पंचोली को बहुत बुरा लगा। अब जाहिर सी बात है सूरज पंचोली के मेंटोर हैं सलमान खान साहब और जैसे ही उन्हें ये बात पता चली सलमान खान साहब अपना आपा खो बैठे। उन्होंने तुरंत सुशांत सिंह राजपूत को कॉल किया, फोन करके उन्होंने सुशांत को कहा कि अपना दिमाग जरा शांत रखो। जी हाँ, एक तरीके से सलमान खान साहब ने अच्छी खासी डांट फटकार लगाई है सुशांत सिंह राजपूत। वेरी हॉट इमरान खान, एक्सट्रीमली हॉट सुशांत सिंह राजपूत। छिछोरी मूवीज के से मैंने बात करी, उसको एक भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, यहाँ तक कि जो मूवी की स्टोरी ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी, उनको अच्छे अच्छे अवार्ड दिए गए और जो रियल में अवार्ड के लायक थी उसको एक अवार्ड नहीं मिला। आज जो लोग बॉलीवुड में उसके लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, रेस्ट इन पीस लिख रहे हैं, उनमें से कई सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो कि पब्लिकली उनको इंसल्ट करते थे, कौन सुशांत राजपूत, कौन मैं नहीं जानता। रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत, मैरी रणबीर, किल सुशांत, हुक अप विद रण। ओके देन, सॉरी सुशांत। विराट कोहली हॉट, अरमान कोहली नॉट, रणबीर कपूर वेरी हॉट, इमरान खान एक्सट्रीमली हॉट, सुशांत सिंह राजपूत हॉट आई गेस। इस तरह से उनको फील कराया जाता था कि वो रियल में बॉलीवुड में कोई है ही नहीं या उनकी कोई भी इमेज नहीं है, जबकि उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया, इतने छोटे टाइम में इतनी बढ़िया बढ़िया मूवी दी, जैसे आप लोगों को पता है एमएस धोनी, छिछोरे और बहुत सारी कई मूवीज हैं, यहाँ तक उनकी एक मूवीज रिलीज होने वाली थी जिसको भी बड़े पर्दे पर रिलीज करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी, सन हाउस ने उसको बैन कर दिया था और साथ ही साथ वो जो मूवीज़ बना रहा था उनको साइन कराने के बाद उनसे वो मूवीज़ ले ली गई थी। और जो लोग डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि डिप्रेशन में इंसान सुसाइड कर लेता, वो मेंटली बहुत कमज़ोर था, ये था वो था, तो लेकिन आप लोगों को बता दूँ बहुत आसान होता है ज्ञान बांटना, लेकिन जब हम पर बीतती है ना बहुत बुरा लगता है, बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमें ऐसा फील हो रहा होता है ना, हमें खाना पीना अच्छा लगता है ना, सोना ना, ये करना ना, वो करना, ये सारी चीज़ तो हमारे लिए मायने नहीं रखती, यहाँ तक कि हमारी मम्मी या पापा हमें कुछ समझाते हैं तो वो भी हमें इरिटेटिंग लगता है, हमें बुरा लगता है कि ये हमारे क्यों परेशान करने पर तुले हुए हैं। सान का सपोर्ट कर रहे हैं, वो उस टाइम कहाँ गए थे जबकि सलमान खान ने विवेक ओबरॉय के साथ उसका करियर ख़त्म किया था। देखिए मैं यहाँ पर ना तो उनकी फ़ैन हूँ ना मैं उनकी फ़ैन हूँ, मेरे को दोनों ही फ़ैन नहीं हूँ मैं दोनों की, लेकिन विवेक ओबरॉय की सिर्फ इतनी गलती थी वो एक नया था और उसने ऐसा कुछ कर लिया था, थोड़ा सा हो ही जाता है जब हम किसी फील्ड में काम करते हैं तो उसी में ना तो उसका पब्लिक ने साथ दिया, पब्लिक तो अभी भी उसका साथ नहीं देती, हंसती है, और ना तो उसका पब्लिक ने साथ दिया ना उसका बॉलीवुड इंडस्ट्री ने साथ दिया और हम लोग आज भी उसकी हंसी बनाते हैं। आप लोगों को लगता है कि विवेक ओबरॉय टैलेंटेड नहीं है, उसकी ओमकारा मूवी देखो और उसकी कई सारी ऐसी मूवी आपको ऐसी मूवी मिल जाएंगी जिसमें उसने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है, साथ ही साथ वो मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन वही बात है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, तो वही चीज़ विवेक ओबरॉय का करियर ख़त्म हो गया। आप लोगों को पता ही है सुशांत सर की में वो विवेक ओबरॉय सर भी गए हैं, विवेक ओबरॉय सर गए हैं उनके मरी में, मोस्टली जो एक्टर थे वो नहीं गए सुशांत सर की डेथ में, लेकिन विवेक ओबरॉय सर गए थे।
कई सारे एक्टर तो ये तक बोलते थे सुशांत सर को हम नहीं जानते, जबकि उन्होंने जब MS धोनी रिलीज की थी तो आप लोग सोचिए कि इतनी बड़ी मूवी बनने के बाद क्या उनको कोई नहीं जानता होगा। कई सारे स्टार किड्स तो बोलते हैं कौन सुशांत सर कौन है इस तरह से, ये चीज़ गलत है। यही चीज़ वो उसको फील कराती थी कि वो बॉलीवुड में कुछ है ही नहीं। इतना तो कर ही सकते हैं कि हम लोग अब उनको सपोर्ट करेंगे जिनको रियल में सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यूट्यूब हो। यूट्यूब पर ही बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो ऑलरेडी बड़े यूट्यूबर होते हैं। हम लोग उनको ही सपोर्ट करते हैं जो लोग का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। हम लोग उनको ही सपोर्ट करते हैं जिस पर ऑलरेडी पैसा होता है, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को दिखा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग उन लोगों को ही सपोर्ट करोगे तो हम जो लोग रियल में स्ट्रगल कर रहे हैं, दो दो साल ढाई साल लगा रहे हैं कि कुछ हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ बनेंगे, तो उन लोगों को अगर आप आगे बढ़ाओगे नहीं तो वो अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस कैसे देंगे। जब आप लोग उनको आगे बढ़ाओगे तभी तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो प्लीज़ उन लोगों को भी सपोर्ट करिए जिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हमारे आसपास बहुत सारी कंपनियों में आपको मिल जाएगा। तो उनको सपोर्ट करिए जिनको रियल में नहीं देखते हैं, जो ऑलरेडी फेमस होते हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रही, आप लोग समझदार हो समझ जाओगे। चाहे उनको एक ही एक्टिंग ना आए, ठीक है, कुछ ना आए, लेकिन बस हम लोग उन्हीं को देख रहे हैं जो ऑलरेडी जिसके गॉडफादर हैं। ऐसे ही सुशांत कई बार अपने इंटरव्यू में बोला करता था, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री मुझे निकाल कर फेंक देगी। ट्वीट करता था, कई सारी चीज़ें करता था, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा ये उम्मीद नहीं थी, नहीं पता था। मैं सीरियसली बताऊँ, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि ट्वीट पर कैसा होता है। ये सारी चीज़ें जो अब निकल के आ रही हैं, अगर पहले निकल के आ चुकी होती तो शायद हम लोग उसका सपोर्ट करते भी। संभावना सेठ ने भी अपने वीडियोस में कई सारी पोल खोली है बॉलीवुड की, कंगना रनावत ने खोली है, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे एक्टर अब बता रहे हैं। कंगना रनौत तो पहले भी अपनी आपकी अदालत में बता चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि जो अवार्ड्स होते हैं वो सिर्फ एक फेक होते हैं, झूठे होते हैं, ये होता है। तो ये सारी चीज़ तो वो पहले ही बता चुकी थी, लेकिन संभावना सेठ ने अब जाकर चुप्पी तोड़ी है। एक और मैं उनकी वीडियो देख रही थी, पारुल करके नाम था, यानी कुछ नाम था उनका, वो भी उन्होंने भी कई सारी फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोली है कि यहाँ पर वही लोगों को लिया जाता है जो ऑलरेडी या फिर उनके चापल उसी करते हैं या फिर उनका कोई गॉडफादर होता है। टैलेंटेड होता है ना, तो उनको कोई स्पॉन्सर मिलते हैं, ना अच्छा प्रोडक्शन हाउस उनको लेता है, ना ही उनको कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिससे कि उनका टैलेंट बाहर आ पाए। और हम लोग भी वही चीज़ देखते हैं जो कि हमें फोर्स प्रमोशन दिखाई जाती है। हम भी उन पर ही गाने पर डांस करते हैं, टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं जो कि ऑलरेडी फोर्स प्रमोशन देकर आती हैं। जानकारी ना होने के कारण या हमें जानकारी नहीं होती है इन सब चीज़ों की, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं आप सभी मिलकर इसके होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। फैशन हाउस जो ऑलरेडी नेपोटिज्म से भरा पड़ा है, वो एक कोई मूवी करता है, रिलीज करता है और उसमें स्टार किड्स, बड़े बड़े स्टार किड्स को लेता है, तो हम ही लोग जाते हैं बिग फैन मैम बिग फैन करके, और उस मूवी को हम लोग इतना अच्छा प्रॉफिट करा देते हैं, रातों रात स्टार किड्स को हम अच्छा खासा फॉलोइंग बना, फैन फॉलोइंग दिला देते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि टैलेंट को तो कोई प्रमोट ही नहीं करता। तो इसमें आप ही लोग बताइए कहाँ तक गलती हम लोगों की नहीं है। फिर वो क्यों अच्छे टैलेंट लोगों को लेगा, क्यों स्ट्रगल पर्सन को वो अपने वीडियो अपने मूवीज़ में लेगा, क्यों लेगा, जब हम लोग उन लोगों को ऑलरेडी फेमस करे हुए लोगों का अगर वो गंदगी भी परोसते हैं तो हम उसे केक समझ के खाते हैं। तो वो लोग तो उन्हीं को लेंगे ना जो ऑलरेडी बिक रहे हैं, उनको ही लेंगे ना, ताकि उनका प्रोडक्शन हाउस चले और उनको अच्छा प्रॉफिट हो। स्ट्रगल पर्सन को क्यों लेंगे? आयुष्मान खुराना कितनी अच्छी मूवीज़ दे रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी उनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है या उनको इतना लोग नहीं जानते हैं। मूवी आने वाली थी दिल बेचारा, लेकिन उसको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। मैं बताती हूँ, करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस में वो बनी थी मूवी, और जैसा कि आप लोगों को पता है करण जौहर सर जो कि हैं बहुत ही दिग्गज हैं, और आप लोगों को पता है कई सारे लोगों को वो आगे भी बढ़ा चुके हैं और कई सारे लोगों को पीछे भी ढकेल चुके हैं। तो उन्होंने बोला सुशांत सर से कि आपकी मूवी का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जानते, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है जो लोग हमारे मूवी बनने के बाद हमारी मूवी को खरीदते हैं या आगे बढ़ाते हैं
और उनको आगे ले जाते हैं, उसको स्पॉन्सर वगैरह जो भी सारे काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो आपको क्या लगता है करण जौहर की मूवी को लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा? कोई स्टार किड्स, कोई फेमस किड्स बनाता है तो बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, लेकिन करण सर जो हमारे रियल सुशांत सर थे उनके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं माइंड उनका चल रहा था सुशांत का इन चीज़ों के पीछे, तो ये भी और डिप्रेशन में था। लेकिन तब डिप्रेशन में जब था तब किसी ने भी एक भी ट्वीट नहीं करा, फिल्म इंडस्ट्री में जाना भी नहीं कि सुशांत था कौन। अब जब वो ख़त्म हो गया या उन्होंने सुसाइड कर लिया उसके बाद सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जो जनता है, आप लोगों को पता है, जनता सब जानती है, वो अच्छी तरह से उनकी बैंड बजा देगी। और इस टाइम हो भी रहा है बिहार में, ये सब आप लोगों को पता है क्या हो रहा है, तो उनको न्याय चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है सुशांत सर ने सुसाइड करी थी? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उनको फोर्स किया गया था सुसाइड करने के लिए। ये मेरा ओपिनियन है, उनको फोर्स किया गया था सुसाइड करने के लिए, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं उनको टॉर्चर करे जा रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार हम किसी चीज़ के लिए उसे टॉर्चर करेंगे तो वो उसके माइंड में बात घूमती रहती है। उसके बाद वो आज नहीं तो कल इस तरह से टूट जाता है अंदर से कि वो कदम ये उठाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है आयुष्मान खुराना बहुत ही अच्छी मूवी दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी टैलेंटेड, उनकी जो मूवी की स्टोरीज होती है बहुत ही अच्छी होती हैं। उनके भी एक कुछ टाइम पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने मूवी बनाने के लिए वो गए थे धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर के ऑफिस में। वहाँ पर उनके एम्प्लॉय ने बोला कि हम सिर्फ स्टार किड के साथ काम करते हैं, हम लोग काम आपके साथ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत होती है और गलत साबित भी करती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है बोलूँगी, अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हो या मेरे मुँह से कुछ वर्ड गलत निकल गए हो तो प्लीज़ माफ़ करना। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग उन लोगों को सपोर्ट करिए जिन लोगों को रियल में नीड है और स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे हमारे किसी कंपनी में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी स्कूल में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे बॉलीवुड में हो, ताकि एक और सुशांत ऐसा ना कर पाए। क्योंकि मुझे बहुत दुख है, बस मुझको यही लग रहा है कि भगवान आज वापस आ जाएंगे, बस सर आज वापस आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। उनके पापा के ऊपर क्या बीत रही होगी हम इतना सा भी नहीं समझ सकते। और डिप्रेशन के जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं तो बहन भाई जो भी है प्लीज़ डिप्रेशन का ज्ञान ना बांटें, क्योंकि जिस पर डिप्रेशन का जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना वो लोग बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी जान सकती हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ फेस की है, वो भी इतने से, मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बताया है, बिल्कुल इतने से फेस करिए। बस ये है कि उन चीज़ों से मैं निकल पाई हूँ कि समय बदलता है, वैसे समय बदला है ये समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ उन लोगों का सपोर्ट कीजिए कि जिन लोगों को रियल में नीड है। मैं खुद 2 साल से यूट्यूब पर हूँ, 2 साल से बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर हैं, बहुत सारे लोग आपको आसपास मिल जाएंगे, बॉलीवुड में मिल जाएंगे, उन लोगों का हम खुद कहीं ना कहीं इसके पीछे बॉलीवुड या ये चीज़ें नहीं, हम भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं को देखना पसंद करते हैं जो ऑलरेडी फेमस है। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो प्लीज़ उन लोगों को भी सपोर्ट करिए। चलिए मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।